नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, श्रमिक प्लस टू हाई स्कूल तोपा पिंडरा, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ। टॉपिक है पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग तत्वों का वर्गीकरण देखना था, जो हम लोग ने देख लिया है। आज हम लोग पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे, ठीक है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इस आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि तत्वों के प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप किस तरह से वैरी करते हैं और अक्रॉस ए पीरियड किस तरह से बदलते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग तत्वों के गुणों की चर्चा करेंगे, कौन कौन से गुण अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उनका वेरिएशंस कैसे हैं, इस विषय पर बात करेंगे। पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, मोस्टली जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट के जिनकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, वो है एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एन्थैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरह के प्रॉपर्टीज का चर्चा करेंगे और इन प्रॉपर्टीज का डाउन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो किस तरह का वेरिएशन है, या फिर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो किस तरह का वेरिएशन है, एक एक करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है? जैसा कि नाम बता रहा है, किसी एटम का न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जहां की इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनके बीच की दूरी को हम लोग एटॉमिक रेडियस कहेंगे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। हालांकि इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक रेडियस फाइंड करना डिफिकल्ट है, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, कम से कम दो एटम्स के बीच की दूरी को लेते हैं और उसको हाफ करते हैं और फिर रेडियस बताते हैं। जैसे अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसके एटॉमिक रेडियस को निकालने के हमारे पास तीन तरीके हैं, जिसमें से फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियस को देखना। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं, खास करके डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के टाइप के मॉलिक्यूल, और फिर देखते हैं कि डायटॉमिक में जो दो एटम हैं उनके बीच की, उनके न्यूक्लियस के बीच की क्या दूरी है और उसका हाफ कर देते हैं, वही उसका कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। जैसे इस इमेज को आप देख सकते हैं, एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल के दो एटम हैं, एक ये हुआ और एक ये एटम है, इसके बीच का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दोनों का न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच के दूरी को हम लोग, इसको हम लोग न्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे, और इसका जस्ट हाफ ले लेंगे तो इसे हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। इसी को हमने लिखा है, इट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द एटॉमिक रेडियस ऑफ नॉन मेटल एटम्स, है ना, नॉन मेटलिक एटम जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनके रेडियस के लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस को देखते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे Cl2 लिए हैं, Cl2 के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है 198 पिकोमीटर। अब इसको यदि हम लोग हाफ करें तो हाफ करने पर ये आ रहा है 99 पिकोमीटर, तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस 99 पिकोमीटर है। तो इस तरह से हम लोगों ने कोवेलेंट रेडियस को देखा है। अगला हम लोग देखेंगे मेटलिक रेडियस। मेटलिक कंपाउंड जैसे हैं उनके लिए हम लोग मेटलिक रेडियस देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है यहां भी। इसमें क्या करेंगे, दो मेटल को लेंगे, मेटल एटम जो कि आयन के फॉर्म में रहते हैं, तो दो आयन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग कहेंगे मेटलिक रेडियस, यानी कि इट इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटलिक आयंस इन ए मेटल क्रिस्टल, ठीक है। जैसा कि पिछला हम लोगों ने कोवेलेंट रेडियस की चर्चा किया था, वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। वहां पर दो अलग अलग न्यूट्रल एटम को हम लोग चर्चा कर रहे थे, यहां पर मेटलिक आयंस की बात हो रही है जो एक क्रिस्टल में, जैसे कॉपर हम ले लेते हैं, कॉपर में दो कॉपर एटम
हालांकि जानते हैं हम लोग मेटल में क्या होता है, मेटल एटम्स आयन के रूप में मौजूद रहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो दो लगातार आयन के न्यूक्लियस के बीच की दूरी जो होगी वही हमारा मेटलिक रेडियस होगा। यहाँ पर कॉपर के लगातार दो एटम, एडजेसेंट एटम जो कि आयन के फॉर्म में होते हैं, उनके बीच की दूरी को जैसे देखा गया है तो यह 256 पिकोमीटर पाया गया है। यानी कि एक कॉपर एटम के लिए यदि हम लोग एवरेज डिस्टेंस तो ये हो रहा है 128 पिकोमीटर, यानी कि यही हमारा मेटालिक रेडियस ऑफ कॉपर कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कोवेलेंट रेडियस देख लिया, मेटालिक रेडियस देख लिया। अब अगला हम लोग देखेंगे वैंडरवाल रेडियस। वैंडरवाल रेडियस बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बात करेंगे। जैसे दो डायटमिक मॉलिक्यूल, अभी हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो ये हमारा एक H2 गैस हुआ, ये एक H2 गैस हुआ। यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है। तो कहता है कि जो नेबरिंग हाइड्रोजन है उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी का जो एवरेज होगा उसको हम वंडरवाल रेडियस कहेंगे। इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम। ये दोनों देखिए, ये एटम इससे बॉन्डेड है, ये एटम इससे बॉन्डेड है, ये दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है। तो इन दोनों नेबरिंग एटम्स के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो वही इसका वैंडरवाल रेडियस होगा। यानी कि यहां पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के दो नेबरिंग एटम का न्यूक्लियर डिस्टेंस को लेते हैं और उसका हाफ करते हैं, तो यह हमारा वैंडरवाल रेडियस आता है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने चर्चा किया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का यह वैल्यू क्या है, नेवरिंग H2 मॉलिक्यूल्स के दो नेवरिंग एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है 240 पिकोमीटर और इसका रेडियस निकालेंगे तो यह आ गया 120 पिकोमीटर। इसको हम लोग वंडरवाल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तीनों मेथड जो रेडियस निकालने का है हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। अब इन तीनों रेडियस का वेरिएशन को यदि हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाते हैं कि वंडरवाल रेडियस जो होता है वह सबसे बड़ा होता है। अक्रॉस ए पीरियड के एटम्स की बात करें तो वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होगा, फिर मेटालिक रेडियस होगा और कोवेलेंट रेडियस इन तीनों में से स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। हालांकि यहां पर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन का जो ये वंडरवाल रेडियस हम निकाल रहे हैं यह मेटालिक से छोटा है, लेकिन हाइड्रोजन चूंकि साइज में छोटा होता है और कॉपर का साइज बड़ा है इसलिए यह वेरिएशन है। यदि हम एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करें, आवर्त की बात करें, तो उनके एटम्स को ले है ना, और फिर उनके मेटालिक कोवेलेंट और ये क्या कहते हैं वंडरवाल रेडियस को देखें तीनों को और कंपेयर करें तो वंडरवाल हमारा बड़ा होगा, उसके बाद मेटालिक होगा, तब कोवेलेंट रेडियस होगा। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक रेडियस की चर्चा की है। अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस ए पीरियड। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट यदि हम मूव करेंगे, यानी आवर्त सारणी के किसी आवर्त में यदि हम बाएं से दाहिने जा रहे हैं तो उसमें एटॉमिक रेडियस में क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह के चेंजेस आएंगे। एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज की बात हो रही है, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा। साइज क्यों घटेगा, क्योंकि एक एक हर एक एलिमेंट हर एक तत्व जैसे हम मूव करेंगे आगे की ओर लेफ्ट टू राइट, हर एक तत्व के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में जुड़ता जाएगा और इसके कारण क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण ऑर्बिट न्यूक्लियस की ओर श्रिंक करता जाएगा और साइज उसका छोटा होता जाएगा। तो इसी को हमने यहां पर लिखा है द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। दिस इज बिकॉज इन ए पीरियड द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम वैलेंस सेल, दस द नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। अभी हमने कहा कि सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ता जाएगा प्रत्येक एलिमेंट के साथ, बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा सो द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जैसे ही बाएं से दाएं जाएंगे एक प्रोटॉन की संख्या यानी प्लस चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन की संख्या
यानी माइनस चार्ज बढ़ता जाएगा, यानी कि सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा और एक प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में बढ़ता जाएगा और नेगेटिव चार्ज भी ऑर्बिट में बढ़ता जाएगा, जिसके कारण उनके बीच का अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा और उससे रेडियस श्रिंक होगा, साइज श्रिंक होगा, जिसके कारण कहेंगे कि एटॉमिक साइज भी डिक्रीज करेगा। लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होगा, तो जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में, तो फिर हम देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्रत्येक तत्व के साथ, प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट जुड़ता जाएगा, एक अलग कक्षा जुड़ता जाएगा, और जब कक्षा जुड़ेगा तो साइज बढ़ता जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि कक्षा की चर्चा करने से पहले हम लोग देख लेंगे कुछ एग्जांपल पीरियड वाला। इन ए गिवन पीरियड अल्कली मेटल्स हैव द मैक्सिमम साइज, ऑब्वियसली चूंकि लेफ्ट साइड में होते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप वन को कहते हैं अल्कली मेटल, जबकि 17th ग्रुप को कहते हैं हैलोजन्स। तो हैलोजन ग्रुप्स जो होते हैं उनके एलिमेंट्स उस पीरियड के, उस आवर्त के सबसे छोटे होंगे। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिथियम अल्कली मेटल है, सोडियम अल्कली मेटल है। इस पीरियड में यदि हम बात करें तो लिथियम 152 पिकोमीटर है, साइज में सबसे बड़ा है इस पीरियड में, और देख सकते हैं सबसे छोटा फ्लोरीन है जो कि 64 है। हालांकि एक्सट्रीम राइट में हमारा जीरो ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होता है, जिसे कि हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं, और नोबल गैसेस का ट्रेंड पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उनके साथ कोरिलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक्सेप्शनल है। इसके नीचे हम लोग देख सकते हैं लिथियम के नीचे सोडियम है, इस पीरियड में देखेंगे तो सोडियम लार्जर है जबकि क्लोरीन स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट है ना। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और यहीं पर हम देख सकते हैं जब डाउन ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ रहा है। इसको हम लोगों ने यहां पर लिखा है, देख सकते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस ए अलोंग ए ग्रुप, ग्रुप में क्या होता है। तो यहां देख सकते हैं ये हमारा ग्रुप है, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम और सीजियम, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनको कि हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं। इनका रेडियस यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही ऊपर से नीचे जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट ऐड हो रहा है, एक अलग से कक्षा जुड़ती जा रही है प्रत्येक तत्व के साथ। डाउन ए ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट। एक शील्डिंग इफेक्ट भी है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, तो कहता है कि यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर करता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच का इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होनी चाहिए, बीच में पड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि उसको शील्ड करते हैं, जिसके कारण शील्डिंग इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, और जो एक्सपेक्ट करते हैं अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड होने का, वो अप्लाई नहीं हो पाता है। तो इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इन एटम विद हायर एटॉमिक नंबर द इनर इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली शील्ड द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, उसी चीज को हमने लैंग्वेज में लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट का भी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटिन, ये इस ग्रुप को हमने ग्रुप को लिया है 17th ग्रुप को, इसके एटॉमिक रेडियस को भी आप देख सकते हैं ये रेगुलरली बढ़ता गया है। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक रेडियस की चर्चा किए, पीरियड में कैसे यानी आवर्त में कैसे वो वैरी कर रहा है इसको भी देखा, और फिर ग्रुप में उसका वेरिएशन को देखा। ये एटॉमिक रेडियस का कैलकुलेशन एक्सरे टेक्निक से किया जाता है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन से, और इनको हम लोग पिकोमीटर या फिर एंगस्ट्रम में एक्सप्रेस करते हैं, चूंकि ये डिस्टेंस काफी कम होता है ना, स्मॉलर वैल्यू होती है, इसलिए हम लोग इसको एंगस्ट्रम या फिर पिकोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई की चर्चा किया। अब अगला हम लोग आयनिक रेडियाई की बात करेंगे। आयनिक रेडियस क्या होता है, तो एटम के केस में हम लोग एटॉमिक रेडियस देखते हैं और आयन्स के केस में हम लोग आयनिक रेडियस की बात करते हैं। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन केटायन्स एंड एनायन्स ऑफ एन आयनिक
क्रिस्टल। ऑब्वियसली एनी क्रिस्टल में क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन होती है और एक नेगेटिव आयन होती है ना। एनी क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिला के क्रिस्टल बना होता है। जैसे अभी हम लोग NaCl की बात कर सकते हैं, तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जो सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन से बना होता है। तो यहाँ भी सोडियम प्लस, सोडियम के न्यूक्लियस और क्लोरीन के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे, और उनका फिर यदि हम एवरेज ले लें, हाफ कर दें, तो वह NaCl का आयनिक रेडियस कहलाएगा। द वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियस इज सेम एज दैट ऑफ द एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल वैसे ही ये भी होता है। जैसे जनरली अ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पैरेंट एटम, ऑब्वियस सी बात है। सोडियम की बात करेंगे, सोडियम की यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं 2, 8, 1, यानी फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में 1, यानी 3 कक्षाओं की हमें जरूरत पड़ रही है। लेकिन यदि Na प्लस आयन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो अब Na प्लस में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8 होगा, यानी ओनली 2 ऑर्बिट्स की हमें आवश्यकता होगी। सोडियम के केस में हमें 3 ऑर्बिट्स की जरूरत पड़ रहा था, 2, 8 और 1, 11 होने के लिए, जबकि सोडियम में 10 ही है, तो 2 और 8, 10 हो रहा है, यानी 2 कक्षा की जरूरत है, यानी कंप्लीट 1 कक्षा वैनिश हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, हट जा रहा है ना, डिसअपीयर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक कक्षा हट गया यानी साइज छोटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कैटायन का साइज छोटा हो जाता है, जबकि एनायन का साइज जिस एटम से एनायन बन रहा है उससे साइज उसका बड़ा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के बीच का रिपल्शन बढ़ जाता है ना। इसको हमने लिखा है जनरली अ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पैरेंट एटम। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने समझाया है सोडियम प्लस आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम, दिस इज बिकॉज अ कैटायन हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स बट इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द पैरेंट एटम। तो इसके कारण क्या होगा कि न्यूक्लियस की ओर वैलेंस ऑर्बिट भी इसका श्रिंक कर जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, और फिर साइज छोटी हो जाएगी। इसी तरह से एनायन की भी हमने चर्चा कर लिया है, एन एनायन इज लार्जर देन इट्स पैरेंट एटम। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन माइनस आयन इज लार्जर देन क्लोरीन एटम, दिस इज बिकॉज द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड अ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो अभी हमने चर्चा किया था क्या होगा, क्लोरीन में जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है क्लोरीन माइनस आयन बनाने के लिए, या किसी एटम में जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए नेगेटिव आयन बनाने के लिए, यानी एनायन बनने के लिए, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन काफी बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यों का त्यों रह जाता है, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन ऐड नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज सेम रहा लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ा, जिसके कारण न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन फोर्स बढ़ जाता है, जिसके कारण साइज भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से वेरिएशन इसका हम लोग कह सकते हैं। वेरिएशन अक्रॉस ए पीरियड क्या होगा, आयनिक रेडियस ऊपर से नीचे यदि हम लोग किसी ग्रुप में मूव करेंगे तो आयनिक रेडियस डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, बट ऊपर से नीचे यदि हम लोग मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा। यानी जैसा कि एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड था अलोंग द ग्रुप या फिर अक्रॉस ए पीरियड, सेम ट्रेंड आयनिक रेडियस के लिए भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आयनिक रेडियस को भी देख लिया। अब अगला टॉपिक हमारा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। जैसा कि नाम बता रहा है आइसो, आइसोटॉप आप लोग समझे ही हैं, उसी तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। आइसोटॉप क्लास 10th में समस्थानिक आप लोग पढ़े ही थे, जहां पर समान एटॉमिक नंबर की बात हो रही थी, यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि समान इलेक्ट्रॉनों की बात होगी। ऐसे स्पेसिस जिनमें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, उनको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहेंगे। यानी एटम्स
एंड आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. एटम भी न्यूट्रल एटम भी हो सकता है या फिर आयंस भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमने कुछ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एग्जाम्पल लिया है. ऑक्सीजन का एटमिक नंबर 8. अब देखिए दो माइनस चार यानी दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड है यानी 10 इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9. एक माइनस चार्ज है यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है यानी ये भी 10 हो गया. इस तरह से यहाँ जितना भी हमारे पास स्पेसिस हैं सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो गए हैं. इनका किस तरह का वेरिएशन होगा साइज में, तो कहता है कि यदि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं, तो जितना ज़्यादा जिस पर पॉजिटिव चार्ज उसकी साइज उतनी छोटा होगा. उसके बाद फिर न्यूट्रल एटम आएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज वाले स्पेसिस आएंगे, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्पेसिस पर होगा उसकी साइज उतना बड़ा होगा. ये बात हम लोग एक ग्रुप के आयंस के बीच में, सॉरी एक पीरियड के आयंस के बीच में कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. Among isoelectronic species, the cation with greater positive charge, अभी हमने कहा जिस पर जितना positive charge उसका size उतना smaller होगा, have the smaller radius. This is because of the greater attraction of electrons to the nucleus. The anion with greater negative charge will have the larger radius. Here the repulsion between electrons is greater than the electron of the nucleus, so the ion will expand in size. देखिए यहाँ पर ये जो हमने लिखा है इसे order में ही लिखा है. यदि इन species को आपको size के अनुसार arrange करना है तो obviously ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. यानी smallest species कौन होगा? Magnesium 2 plus iron. और largest कौन होगा? Oxygen 2 minus आयन. तो इस तरह से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का वेरिएशन होता है. उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. धन्यवाद आज के